धन्यवाद खुदा प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, तारीफ हो, बढ़ाई हो। आदर करते हैं अल्फा, आपका सम्मान करते हैं ओमेगा, आदि अंत प्रभु, प्रथम अंतिम, त्रियक हाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सच्चाई से आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आज शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में, हाँ उपवास प्रार्थना में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर प्रभु के हजूरी में चले, उसके संगति में चले, उसके पांव पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आए, अपने आप को नर में दीन बनाकर अपने हाथ को उसके आगे फैलाएं और उससे प्रार्थना करें। वो सुनेगा, हाँ वो सुनेगा, उत्तर भी देगा। आपके अंदर संदेह नहीं, विश्वास है तो हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो संदेह करते हैं उनका मन प्रार्थना में नहीं लगता, लगता भी है तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा प्रभु की ओर से। आपकी प्रार्थना विनती का उत्तर हाँ आमीन में नहीं आएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब भी आप पे प्रार्थना करें, विश्वास के साथ करें, अपने आप को नर्म दिल बना करके करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। चाहे उपवास हो या ना हो, उपवास में की गई प्रार्थना प्रभु सुनता है, अपनी आत्मा से भरता है। उपवास में प्रार्थना करेंगे उसमें भी विश्वास चाहिए, बिना उपवास से, उपवास के करेंगे, फास्टिंग के करेंगे उसमें भी विश्वास चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु विश्वास देखता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने प्रति प्रेम को, भय को, विश्वास को देखता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर प्रभु के प्रति आपके अंदर प्रेम है, यानी कि आपके हृदय में प्रभु की आज्ञा है, अगर आप पे उसका भय मानते हैं, यानी कि उसके आज्ञा का पालन करते हैं, आपके अंदर प्रभु के प्रति विश्वास है, एक राय के दाने के बराबर भी विश्वास है, जब भी आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को आवाज़ देंगे, प्रभु सुनेगा और उत्तर देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उपवास में प्रार्थना करना जरूरी है। उपवास में प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आत्मा सामर्थ आता है, शैतान से लड़ने के लिए ताकत आता है, उसको पराजित करने के लिए, हराने के लिए, खुद और दूसरों को भी स्वतंत्र करने के लिए, शैतान से मुक्त करने के लिए आत्मा सामर्थ आता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अपने जीवन को प्रार्थना का, वचन का और उपवास का जीवन बनाइए। सुखी संपत्ति रहिएगा, कुशल रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहिएगा, जीवितों के उजियाला में चलिएगा, और आपके द्वारा बहुत से लोग के उद्धार पाएंगे, आशीष पाएंगे, चंगाई छुटकारा पाएंगे, जीवन पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रभु के प्रेम में आएंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दें, आज का दिन प्रभु हमें दिखाया है। फिर इसके बाद आपकी जो समस्या है प्रभु को बताइए, जो मांगे हैं मांगिए। हालेलुया, जो चाहते हैं प्रभु की ओर से पाना, मांगिए प्रभु से, प्रभु देगा, आप पाइएगा, आपको प्राप्त होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो। महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आप एक और नई दिन हमें दिखाए हैं, एक और नई किरण हमारे जीवन में उदय किए हैं। प्रभु जी, लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते, होने दीजिए प्रभु। आज के दिन जितने लोग फास्टिंग है, उपवास है, उन सबों के उपवास के दशा को देखिए और प्रभु जी प्रभुता कीजिए,
उन सबों के ऊपर कृपा दया कीजिए, करुणा कीजिए प्रभु, उन सबों के ऊपर तरस खाइए, उन सबों की सुधि लीजिए, ताकि सबों के उपवास का प्रतिफल सबों को मिल सके। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो कोई जो कुछ के लिए उपवास है और उपवास में प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थना का उत्तर उनको मिल सके। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। स्तुति हो पिता, सहायता कर। महिमा हो खुदा, सहायता कर, मदद कर, गाइड कर प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी। सबों पर आपकी दृष्टि रहे, हाँ, दया की दृष्टि रहे, कृपा की दृष्टि रहे, प्रभुता की दृष्टि रहे, करुणा की दृष्टि रहे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता। महिमा करते हैं पिता, तारीफ करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते मेरे प्रियो। पता है शैतान का प्लान क्या है? शैतान का प्लान है हमें नाश करना, हमारे घर को सुनसान बना देना। हालेलुया। हाँ, प्रभु से अलग करके हमें नाश कर देना, नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना, हमारे घर को पूरी तरह सुनसान बना देना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ये शैतान का प्लान है, योजना है, युक्तियाँ हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान की इच्छा चाहत है, हालेलुया, मर्जी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में शैतान के प्लान को, योजना को, युक्तियों को, इच्छा को, चाहत को, काम को नष्ट करने के लिए आया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है पहला यूहन्ना 3:7 में कि मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, यानी कि जगत में आया कि शैतान के कामों का नाश करे, शैतान के प्लान योजना का नाश करे, युक्तियाँ का, इच्छा चाहत का, मर्जी का, उसके काम का नाश करे, खत्म करे, नष्ट करे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा 6:9-10 और 11 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है शैतान का जो सरदार है, हेड है, मालिक है, वो अपने सेना से बोलता है कि सुनो, जहाँ जहाँ प्रभु का वचन सुनाया जाता है, प्रभु का काम दिखाया जाता है, प्रभु की आशीष दिखाया जाता है, वहाँ वहाँ जाओ, वहाँ के लोगों के मन को मोटा कर दो, कानों को भारी कर दो और आँखों को बंद कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य अपनी आँखों से प्रभु के काम को, आशीष को देखे, कानों से प्रभु के वचन को सुने और मन से बूझे, मन फिराए और चंगे हो जाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान का जो सेना है वो पूछता है सरदार से, हेड से, कि हे प्रभु ऐसा कब तक करना है? वो बोलता है, शैतान का सरदार हेड बोलता है, जब तक कि मनुष्य का घर पूरी तरह सुनसान ना पड़ जाए, सारे के सारे मनुष्य नाश ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तब तक करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। देखिए मेरे प्रियो, शैतान का कितना बड़ा प्लान है, योजना है, युक्तियाँ हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसके प्लान को, योजना को, युक्तियाँ को पूरा करने के लिए नहीं, नष्ट करने के लिए आया है और आपके द्वारा करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान क्या चाहता है? आप प्रभु के काम को, आशीष को ना देखें, आप उसके वचन को ना सुने, आप पे मन से ना बूझे, ना समझे, प्रभु की ओर मन ना फिराए। लेकिन शैतान जो चाहता है वो नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु के काम को, आशीष को देखने के लिए अपने आँख को खोलना है, प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने कान को खोलना है और मन से बुझना है, समझना है और समझ करके, बुझ करके
प्रभु की ओर अपने मन को फिराना है, ताकि शैतान का प्लान, योजना, निकाली हुई युक्तियाँ नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। लॉर्ड जीसस, शैतान जो चाहता है वो नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु जो चाहते हैं वही करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपके जीवन में काम करता है, चमत्कार करता है, आश्चर्यकर्म करता है, आपके ऊपर उपकार करता है, आपके साथ रह करके जो चमत्कार कार्य करता है, आपके जीवन में जो आशीषें देता है, हमेशा उसको स्मरण कीजिए, उसको देखिए। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमेशा ध्यान से पढ़िए, सुनिए और समझिए, बुझिए और प्रभु की ओर फिरिए, ताकि शैतान का प्लान खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का प्लान, योजना, युक्तियाँ पूरी हो जाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, महिमा हो प्रभु परमेश्वर। तारीफ करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं प्रभु जी, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु परमेश्वर। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु, कृपयालु, अति करुणामय, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अनुग्रह कीजिए प्रभु। जितने जन, जितने लोग प्रभु जी आज फास्टिंग उपवास है और इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, वचन को रिसीव किए हैं, सुने हैं और विश्वास के साथ है, ग्रहण भी किए हैं, शैतान के बंधन को उनके जीवन से तोड़ डालिए। बेड़िया जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, शैतान के काम को उनके जीवन से निकाल दीजिए, शैतान के प्लान, योजना, निकाली हुई युक्तियाँ को ख़त्म कर दीजिए। जिस कामों में, कार्यों में शैतान बाधा को, हाँ प्रभु जी, उत्पन्न करता है, रुकावट डालता है, शैतान के बाधा रुकावट को ख़त्म कर दीजिए। रोगों की दुष्ट आत्मा को सबों के अंदर से निकालिए, शैतानी अटैक से छुटकारा दीजिए, शैतानी वार से प्रभु छुटकारा दीजिए। सहायता कर खुदा, सबों को चंगाई, छुटकारा, आशीष दे। अस्तुति हो पिता, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, सबों को ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए, वो अनुग्रह महिमा दीजिए, आत्मा सामर्थ्य दीजिए, उस पाकरू मासा तेल सभी से कीजिए, कि सबका मन प्रभु जी आपके वचन को बूझे, समझे, सबों की आँखें आपके काम को, आशीष को देखे, कान आपके वचन को सुने और उद्धार पाए, शैतान के प्लान, योजना को खत्म करें। धन्यवाद कि आप सुने, ग्रहण किए, उत्तर भी प्रभु जी हाँ आमीन में दिए। धन्यवाद देते सबों के जीवन में काम किए से। आज प्रभु जो कोई जो कुछ के लिए उपवास है और प्रार्थना किए हैं प्रभु, वो सभी चीज़ें उन्हें दीजिए। जिस किसी के लिए जो कुछ मांग रहे हैं दीजिए स्वर्गीय पिता, जिस किसी के लिए दुआ कर रहे हैं उनके जीवन में काम कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो, तारीफ हो प्रभु जी, बड़ाई हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। एक एक बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हाँ जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं सबके सब प्रभु जी, हे खुदा आपके हैं, अपने सीने से लगा करके सुख, शांति, चैन दीजिए, आराम दीजिए प्रभु, विश्राम दीजिए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते, अपना प्यार दुलार दीजिए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए, सबों के जीवन में काम कीजिए, कमी घटी को पूरा कीजिए, जरूरत और आवश्यकता को पूरा कीजिए प्रभु जी, सब कुछ पूरा करके, उपाय करके, सबों का मुहैया कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, रुके हुए कामों को सफल कर दे स्वर्गीय पिता, रुकी हुई शारीरिक को आने दे प्रभु जी, वीजा को प्रभु जी आने दे स्वर्गीय पिता, कामों को होने दे खुदा। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो प्रभु, जो जॉब की तलाश में उनको जॉब दे, बेरोजगार है काम ढूंढ रहे काम दे, रोजगार दे, बिजनेस किए हैं सफलता दे, व्यापार करते, खेती बाड़ी करते, जो कोई जो कुछ का कारोबार करता उसमें उन्हें आशीषें दे, सफल कर। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, धन्यवाद कि सुना, ग्रहण किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बीमारों को छू चंगाई दे प्रभु जी, कर्जों से बाहर निकाल प्रभु, श्रापों से छुटकारा दे, गरीबी घटी को खत्म कर दे। धन्यवाद यीशु, कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना भी से हमें दिए हैं
प्रभु जी उस पर दृष्टि कीजिए और उसका उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आप पर अटल बना रहे। जो दान दस मास दिए हैं उनके लिए आप स्वर्ग के झरोखे खोल दीजिए, और प्रभु जी जितना दिए हैं उसके 10 गुना 1000 गुना लाखों गुना करोड़ों गुना लौटाइए, उन्हें दीजिए स्वर्गीय पिता। प्रभु अनुग्रह कीजिए, जिनको जो कुछ की कमी घटी है पूरा कीजिए, जो कुछ की जरूरत आवश्यकता है अद्भुत रीति से दीजिए प्रभु, जरूरत की चीज़ें आवश्यकता है की चीज़ें अद्भुत रीति से दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है लगने पाए प्रभु जी, काम में नहीं लगता है प्रभु लगने पाए स्वर्गीय पिता, रोजी रोजगार में नहीं लगता है प्रभु लगने पाए प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी। जिनका मन प्रार्थना में वचन में नहीं लगता है प्रभु जी लगने पाए, जो फास्टिंग रहना चाहते उपवास रहना चाहते हैं अनुग्रह दीजिए कि वो रह सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उपवास में की गई प्रार्थना सफल होने के लिए प्रभु दुआ करते हैं। उपवास में प्रभु जी घुटना टेका हुआ घुटना सफल होने के लिए, फैलाया हुआ हाथ सफल होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, दुआ करते हैं सहायता कीजिए मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 लॉर्ड जीसस।